हाँ अब आ गए बारिश, तो बहुत खुशी की बात है बिहार वासियों के लिए। देखिए भगवान अभी लग रहे नाराज है, थोड़ा जल्दी तेज बरसे अच्छा होता है। मन कर रहा है कि भीगे कहीं जाए नहीं, एकदम मौसम अच्छा है। पटना में मानसून का आगाज हो चुका है, हम पटना जंक्शन पर है और बारिश शुरू हो गई है, बादल छा गए हैं और मानसून की एंट्री जो है वो पटना में हुई है। और नज़ारा कुछ ऐसा है कि तमाम लोग जो है वो झूम उठे हैं, बारिश इतने दिनों बाद पटना में दिखी है। और इस बारिश का एहसास तब और भी ज़्यादा होता है जब आप इतने ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर की जो धूप है वो झेल चुके होते हैं। इंतज़ार बस इसी चीज़ की थी कि कब बारिश होगी और कब मानसून की एंट्री होगी। लोगों से जानते हैं कि बारिश को देख करके कैसा लग रहा है कि पटना में अब मानसून आ चुका है, मानसून आ गया, मौसम देख करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिनों से गर्मी का जो मौसम चल रहा था, क्या लग रहा था कि कब बारिश होगी? अनुमान तो था, अब आ गए बारिश, तो बहुत खुशी की बात है बिहार वासियों के लिए। पटना में कितना मुश्किल हो रहा था बाहर निकलना घर से? बहुत मुश्किल मैम, तो हम लोग तो शाम में निकलते थे, दिन भर तो भी सपना हो गया कि दिन में हम लोग 12-2 बजे का बाहर निकले। हाँ। अब जो है लग रहा है कि मौसम देखिए सुहाना है, कि बारिश में भीग जाए। देखिए ना मैडम, आपके सामने हम लोग भीग रहे, थोड़ा सा भागने हम तो बड़ा से और भीगे। मतलब अब वो वाली डर नहीं कि बारिश हो रही है तो चले जाए, इसी का इंतजार। हम लोग तो इसी का इंतजार कर रहे थे, कितने महीनों से इंतजार कर रहे थे कब आएंगे, लेकिन देखिए भगवान अभी लग रहे नाराज है, थोड़ा जल्दी तेज बरसे। बरस तेज नहीं रहे लेकिन मानसून की एंट्री हो गई है। एंट्री हो गई है, आप नाइट में अच्छी कैसा लग रहा है? एकदम खूबसूरत नजारा, हम लोग यहाँ से फोटो क्लिक किए अभी, हम लोग देखिए बहुत सारे लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं। और अभी रात में अच्छा बारिश होगा, हमको जहाँ तक उम्मीद है कि अभी बारिश होगी। आप बारिश लगा अभी, एक हमारे यहाँ अदरा का जो मौसम होता है अदरा चढ़ गया है, जहाँ तक कि वो 3 दिन बीत गया था। हाँ। हालांकि लेट से हुआ था, अभी 3 दिन पहले बारिश स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए तो सही। पिछले साल तो जल्दी बारिश हो गई थी लेकिन इस साल बहुत इंतजार करना पड़ा और टेम्परेचर उतना ही ज्यादा। टेम्परेचर का वो हाल है प्रदूषण का वजह से मैम। आप इतना बड़ा मेरिन ड्राइव देखते हैं पटना में, बहुत बड़ा मेरिन ड्राइव, बहुत अच्छा काम किया नीतीश जी उतना बड़ा मेरिन ड्राइव बना के, लेकिन उसका फुट फाट पे बहुत चौड़ाई है। अगर एक डिफॉरेस्टेशन, ये सही बात है, बड़े बड़े जंगलों की कटाई हो रही है, पेड़ लगाना चाहिए, अगर ऐसी बारिश चाहिए, अच्छी बारिश चाहिए तो। अभी भारत में 500 करोड़ पेड़ों की जरूरत है, यहाँ पे भारत की आबादी है 1 अरब 50 करोड़, और अगर एक आदमी अगर बारिश में ही भीगते रह जाए नहीं कहीं अभी। नहीं नहीं लग रहा, एक आदमी अगर 5 पेड़ भी लगाता है ना, तो 1 अरब आदमी अगर लगा लेगा तो 500 करोड़ पेड़ पूरा हो जाएगा, तो इसी तरह हमारे नेचर को बचाया जा सकता है। चलिए और लोग, बारिश हो रही है इतने दिनों बाद, कैसा लग रहा है बारिश देखकर? अच्छा हो रहा है, मन कर रहा है कि भीगे कहीं जाए नहीं, एकदम मौसम अच्छा है। अच्छा लग रहा है, देखिए बारिश जो है वो तेज होती जा रही है लेकिन लोग कहीं जा नहीं रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।